ट्यूनीशिया। आज हम आपको ट्यूनीशिया घुमाते हैं। ट्यूनीशिया उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में सबसे छोटा देश है। अफ्रीका के उत्तरी देश में विभिन्न आकर्षण है जो समय म्यूजियम यहाँ ट्यूनीशियाई संग्रहालय में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया देश एक आम अरब देश है और यहाँ रहने वाले 99% लोग मुस्लिम हैं। 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमण से पहले ट्यूनीशिया को कार्थेज साम्राज्य का हिस्सा था, इसके बाद रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आपको ट्यूनीशिया के सारे डिटेल्स और घुमाते हैं। देश का आधिकारिक नाम ट्यूनीशियाई गणराज्य है। ट्यूनीशिया देश का कुल भूमि क्षेत्रफल 70 वर्ग मील है, यानी 163,610 वर्ग किलोमीटर है। यद्यपि यह आकार में अपेक्षाकृत छोटा है, ट्यूनीशिया में उत्तर दक्षिण की सीमा के कारण पर्यावरणीय विविधताएं हैं। इसकी पूर्व पश्चिम सीमा सीमित है। यह अल्जीरिया देश से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, लीबिया को दक्षिण पूर्व में और भूमध्य सागर से उत्तर और पूर्व तक सीमा में स्थित है। यहाँ के निवासियों को ट्यूनीशियाई के रूप में जाना जाता है। ट्यूनिस भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। क्षेत्र सामान्यतः मदीना का पुराना शहर कहलाता है। यह क्षेत्र एक मुख्य दीवार के रूप में दीवारों और कुछ छोटे दरवाजों से घिरा हुआ है। दीवार बाड़ का उद्देश्य दुश्मन के हमले से शहर को सुरक्षित रखने के लिए है। ट्यूनीशिया की आधिकारिक भाषा अरबी है। कई हॉलीवुड फिल्मों को ट्यूनीशिया में फिल्माया गया है, जिसमें हर स्टार वार्स फिल्म के बारे में शामिल होते हैं। ट्यूनीशिया वर्तमान में ट्यूनीशिया में एकमात्र शहर है जो मेट्रो ट्यूब सेवा से लैस है, जो कि ट्रामों की तरह ही होता है। 1 जनवरी 2017 तक ट्यूनीशिया देश की आबादी 11,444,409 लोगों की अनुमानित थी। ट्यूनीशिया में कुल मिलाकर 8 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें कि 6,000 साल पुराना एम्फीथिएटर भी शामिल है। ट्यूनीशिया के सबसे प्रसिद्ध ओलंपियन मोहम्मद गुमैदी हैं, जिन्होंने 3 खेलों में 4 ओलंपिक पदक जीते थे। 1964 में टोक्यो खेलों में उन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था। 4 साल बाद 1968 में मैक्सिको खेलों में उन्होंने 10,000 मीटर में 5,000 मीटर और कांस्य में स्वर्ण पदक जीता और 1972 में उन्होंने म्यूनिक में रजत पदक जीता था। ट्यूनिस राजधानी और ट्यूनीशिया का सबसे बड़ा शहर है। ट्यूनिस की झील के पीछे एक बड़ी भूमध्य सागर ट्यूनिस की खाड़ी है और ला गोलेट के बंदरगाह पर स्थित है। शहर तटीय मैदान और उस चारों ओर के पहाड़ों में फैले हुए हैं। इसकी कोर और इसकी प्राचीन मदीना एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल होती है। ट्यूनीशिया ने साल 1956 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मतमाता क्षेत्र में लोग अभी भी भूमिगत घरों में रहते हैं। सहारा विश्व में सबसे बड़ा गर्म और रेगिस्तान और इसका एक छोटा हिस्सा ट्यूनीशिया को कवर करता है। ट्यूनीशिया का राष्ट्रीय व्यंजन कुकसस है, जिसे अक्सर सब्जियों और मांस या मछली एक स्वादिष्ट सॉस के साथ परोसा जाता है। बिच्छू दक्षिण में सभी जगह पर एक केवल बिच्छू से बदलित चीजें सांप है लुभाने। इसके अलावा दुनिया में सबसे विषैला मकड़ी ट्यूनीशिया में पाया जाता है। देश का उच्चतम पर्वत समुद्र स्तर से 1,544 मीटर यानी कि 5,066 फीट है पर स्थित जबेल ईच कैम्बी है। ट्यूनीशियाई दिनार ट्यूनीशिया की आधिकारिक मुद्रा मानी जाती है। फुटबॉल ट्यूनीशिया में सबसे लोकप्रिय खेल है। ट्यूनीशिया के मुख्य निर्यात में वस्त्र, यांत्रिक सामान, फॉस्फेट रसायन और कृषि उत्पादन शामिल होते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में अगर ट्यूनीशिया के बारे में समझ में आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और दोस्तों के साथ बाँटें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।